आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह बहुत ही सुंदर कथा है, कृपया पूरी कथा को सुनिएगा। एक गांव में एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, चलो आज हम लोग दूसरे गांव को जाते हैं। शिष्य ने गुरु भगवान से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और गुरु और शिष्य दोनों लोग दूसरे गांव की ओर चल पड़े। दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और सारे दिन चलने के कारण थक जाते हैं। इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं कि एक घर पास में ही बना हुआ है। गुरु भगवान कहते हैं अपने शिष्य से, चलो इस घर के दरवाजा को खटखटाते हैं और खाने के लिए कुछ मांगते हैं। ऐसा विचार करके गुरुजी और शिष्य दोनों लोग उस घर के दरवाजा को खटखटाते हैं। अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसके कि वस्त्र बहुत ही फटे और पुराने होते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ भोजन मिल सकता है। वह व्यक्ति कहता है, आप लोग अंदर आएं, भोजन ग्रहण करें और अपनी थकान को भी दूर करें, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, जिससे कि आप उनकी अपनी थकान जो है दूर हो जाए। महात्मा आए हैं ऐसा विचार करके उस व्यक्ति ने गुरुजी और उनके शिष्य का यथोचित आदर और सम्मान किया और घर में जो भी था वह भोजन भी कराया। उसकी स्थिति को देख करके गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारे घर के बगल में इतनी सारी खेत खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई फसल क्यों नहीं उगाते हो। तो वह कहता है कि मेरे पास में एक भैंस है, भैंस बहुत ज़्यादा दूध देती है, भैंस के दूध से मेरी जिंदगी की ज़रूरतें जो भी हैं उन सभी की पूर्ति हो जाती है। गुरुजी बोले, वे तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास में इतनी अच्छी भैंस है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, अब रात हो गई है, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे, बीच में तो बड़ा ही घना जंगल है। तो ऐसा करिए कि रात मेरे घर में ही गुजार लीजिए और दिन में जितनी जल्दी हो सके उठ करके आप लोग आगे की यात्रा आरंभ करिएगा। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है। और वह जो व्यक्ति होता है वह गुरुजी के लिए और उनके शिष्य के लिए यथाशक्ति जो भी उसके घर में व्यवस्था होती है उस अनुसार सोने के लिए बिस्तर लगा देता है। रात में गुरुजी उठते हैं और शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो अभी इसी वक्त हम लोगों को इस घर से जाना है। शिष्य कहता है, कम से कम बता तो देते कि हम लोग जा रहे हैं। बोले, नहीं, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ऐसा बोल करके गुरुजी और शिष्य दोनों लोग बाहर आ जाते हैं, घर के बाहर आ जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसका जो भैंस है उस भैंस को भी साथ में लेके चलना है। उस शिष्य को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन गुरु आज्ञा के आगे तो गुरु की बात काटी ही नहीं जा सकती। वह गया और भैंस को खोल लिया और साथ में भैंस को लेकर के चल दिया। अब गुरुजी, शिष्य और भैंस तीनों ही वहाँ से चले गए, आगे बढ़ गए दूसरे गांव की ओर। इधर प्रातःकाल होता है और वह व्यक्ति देखता है कि भैंस तो है ही नहीं, गुरु महात्मा भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है। बड़ा परेशान होता है, इधर उधर बहुत जगह ढूंढता है, लेकिन ना तो भैंस मिलती है और न ही उन महात्माओं के बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी पता चलता है। अब वह बहुत ही परेशान होने लगता है कि अब मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरे घर में जीवन यापन चलेगा तो कैसे चलेगा। फिर वह ऐसा हुआ विचार करके बहुत परेशान हो जाता है वह व्यक्ति। फिर वह धीरे से एक काम को शुरू करता है कि जंगल जाता है, लकड़ी काट कर लाता है और उस लकड़ी को नित्य प्रति शहर में जाकर के बेच देता था। फिर कुछ पैसे बचते हैं तो उस पैसे से वह कुछ बीज को ले आता है, पौधों के बीज को ले आता है, फलों के बीज को ले आता है, और जो उसके घर के बाहर जमीन पड़ी होती है उनमें फलों के बीज को डाल देता है, जिससे कि बहुत सारे फल के बगीचे तैयार हो जाते हैं। और कुछ और भी बीज लेकर आता है जिससे कि फसल तैयार होने लगे।
मेहनत करता है, गुड़ाई रुपाई सब कुछ सारी पूरी मेहनत करता है, फिर फसल भी तैयार होने लगता है। जब फसल तैयार हो जाती है उससे उसका इनकम होता है, फिर इधर जो फल का बगीचा होता है उससे उसका इनकम शुरू हो जाता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। इधर शिष्य जो कि भैंस लेकर गया था, उसे बड़ा ही खटकता है कि मेरे गुरुजी ने बड़ा ही गलत काम किया है। एक तो बेचारा पहले से ही गरीब, दूसरा उसकी एक भैंस ही सहारा था, वो सहारा भी हम ले आए और न जाने व्यक्ति कैसे जी रहा होगा। ऐसा सोचते हुए वह मन में संकल्पित होता है खुद को कि मैं एक दिन उस व्यक्ति से मिलने अवश्य ही जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि वह कैसे जी रहा है। ऐसा विचार करके अपना दिन निश्चित करता है कि इस दिन मैं उस व्यक्ति से मिलने जाऊंगा। निर्धारित समय पर वह शिष्य उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। जब वह पहुंचता है तो देखता है कि वह व्यक्ति सामने से चला आ रहा है, घर के बाहर ही मुलाकात हो जाती है। शिष्य बताता है उस व्यक्ति से, बहुत साल पहले एक दिन मैं अपने गुरु के साथ आपके घर में आया था। यह सुन करके कि महात्मा के साथ यह शिष्य आए थे, वह व्यक्ति बड़ा ही आदर सत्कार करता है उस शिष्य का, हालचाल पूछता है, गुरुजी की तबीयत के बारे में पूछता है। फिर वह शिष्य पूछता है कि आपकी स्थिति तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, कैसे सब कुछ बदल गया, और पहले भी ये खेती थी, तब आपने तो यहाँ कुछ भी नहीं बो रखा था। तब वह व्यक्ति बताता है कि जिस दिन आप लोग गए उसी दिन मेरी भैंस भी खो गई। अब जब भैंस ही खो गई तो हमारे सामने जीविका चलाने की समस्या आ गई कि अब हम जीवित रहने के लिए करें तो क्या करें। अब मेरे पास कोई उपचार ही नहीं था, तो मैंने जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में ले जाकर के बेच देता। फिर कुछ पैसे बचे तो मैं कुछ फलों के बीज ले आया और अपने इसी जो ज़मीन बची हुई है इसी ज़मीन पे बो दिया, जिससे कि फल के पेड़ तैयार हो गए और इधर मैंने कुछ फसल बो दिए तो खाने के लिए भी हो गए और साथ में बेच भी देता हूँ, तो मेरे घर में आमदनी शुरू हो गई। आज के समय में मैं अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ फलों का। कभी कभी सोचता हूँ, वह व्यक्ति शिष्य से कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी वह भैंस न खोती तो शायद मैं आज इतना धनवान न बनता, मैं उसी तरीके से अपने जीवन को जीते चला जाता। लेकिन उस रात वह भैंस खो गई, जिसके कारण मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन मेहनत करने के बाद में आज का जो यह सुखद दिन आया है, सुंदर दिन आया है, उसे भी मैं देख रहा हूँ और आप भी देखिए कि मेरा पूरा बगीचा फलों से लदा हुआ है, पीछे फसल लगे हुए हैं और मेरे घर में किसी तरह का दुख नहीं है, सुख और संपत्ति सब कुछ है। उसकी खुशी को देख करके शिष्य समझ जाता है कि यह गुरु की महिमा है। गुरु भगवान चाहते थे कि यह व्यक्ति मेहनत करे और एक अच्छे जीवन को पाए। यह गुरु की महिमा है जिसके कारण आज यह एक बहुत ही अच्छा जीवन को जी रहा है। और मैं मन ही मन इतने वर्षों तक यही सोचता रहा कि गुरु भगवान ने कितना गलत किया जो इसकी भैंस को ही चोरी करके ले आए। वह प्रणाम करके उस व्यक्ति को उस जगह से वापस अपने गुरु के पास लौट आता है। कहा जाता है कि जीवन में भैंस रूपी आलस को नहीं पालना चाहिए, व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। यदि व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है, तो वह परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने फसल, अपने जीवन को आगे सार्थक बना सकता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं रह सकती है। आशा करती हूँ यह सुंदर कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह एक प्रेरणादायक कथा है, इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ
सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें, भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए, भोजन तथा फलाहार सूर्य भगवान के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार भगवान सूर्य की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ के गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसे न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती, सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने देती। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही, वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईश्वर से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई,
किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा गाय को वृद्धा को लौटाने से ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। भगवान सूर्य की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, अशोक सुंदरी की जय हो, भगवान गणेश की जय। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण भगवान अवश्य लिख दें। जय माता दी। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ देवी भागवत महापुराण की कथा का 5वां अध्याय, दक्ष प्रजापति की शिव के प्रति द्वेष बुद्धि। महर्षि दधीच द्वारा दक्ष को समझाना तथा भगवान शिव के महात्म्य को बताना। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम पूर्वक जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मेरे इस गुरु कृपा चैनल पर नित्य प्रति देवी भागवत पुराण कथा चल रही है, कृपया इसे नित्य में सुने। गुप्त नवरात्र का समय चल रहा है, इस शुभ अवसर पर देवी भागवत की महात्म्य कथा को अवश्य ही सुने। भगवान गणेश की जय हो, देवी माँ की जय हो, श्री महादेव जी बोले। तदंतर भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनिश्रेष्ठ दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिव जी को भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीच ने उनसे यह वचन कहा। दधीच बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के तत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही हैं और शिव साक्षात परम पुरुष हैं। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह ना करें। दधीच कहते हैं, प्रजापति, ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती हैं, उन्हें आपने पुत्री रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती आपको ठगा है। दक्ष बोलते हैं, वे शंभु यदि आपके जगत के ईश्वर अनादि और परम पुरुष हैं, तो भयंकर रूप तथा तीन नेत्रों वाले उन्हें प्रेत भूमि शमशान क्यों प्रिय हैं? और हे मुने, वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोते रहते हैं? दधीच कहते हैं, वे शंभु पूर्ण नित्य आनंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते हैं। वे भगवान शंभु भिक्षु हैं। ऐसे दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई है? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगी जन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। शमशान में रहे
अथवा सुरम्यपुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही सुंदर और अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उन शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे शमशान में रहें अथवा सुरम्यपुरी में रहें, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के तुल्य भी नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नाम नगरी उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की तो बात ही क्या। वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है, यह विचार अपने दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवा अधिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूप महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी भी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े ही भाग्य हैं जो आपके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं, प्रादुर्भूत हुई हैं। श्री महादेव जी बोलते हैं, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीच के अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिवलोक को असदाचार से रहित नहीं माना और वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। हे नारद, वे प्रजापति दक्ष और पुत्री सती को उल्लाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। हा वत्से, सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो। बहुमूल्य पर्यन पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री कुरूप पति के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी। उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथों से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए कहा। दधीचि ने कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं। महात्मन, देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी है, वे सभी उन्हीं दोनों शिव और शिवा के रूप में उत्पन्न हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए। इन सती को त्रिगुणात्मिका चिदानंद आत्म स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परात्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत ही संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव ही सनातन पुरुष हैं तथा तीनों लोकों के ईश्वर हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर के भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव हैं, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है।
मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा प्रचंड पराक्रमी भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म करने वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाएं, तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया है। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिनके अंश से उत्पन्न हुए हैं, मेरे समक्ष उनकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भलीभांति जानते ही हैं। अब मैं आपसे और क्या कहूँ। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है। सत्य पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र को ही अपनी कन्या को प्रदान करें। तस्य हि किं भर्त योग्यः स्यान् ममाज्ञावशः शिव सत्यपात्रे विहितं दानं पुण्यं कीर्तिकरं भवेत्। इन्हीं सब बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। यह सच सच कह रहा हूँ। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी कहते हैं, दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीचि अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव के इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तब यह मूढ़मती भला कैसे जान सकता है। नारद, किसी ज्ञानी महापुरुष द्वारा यदि यह शिव भक्तिहीन मूढ़मती समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुने, ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीचि अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बार बार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इति श्री महाभागवते महापुराणे शिव नारद संवादे दक्ष प्रजापति विषाद वर्णन नाम पंचमो अध्यायः। सभी देवताओं की जय हो। सभी ऋषि मुनियों की जय हो। दृश्य ऋषियों की जय हो। अदृश्य ऋषियों की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। माता सती की जय हो। दधीचि ऋषि की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह सुंदर कथा माँ भगवती की भगवती देवी पुराण की यह कथा अत्यंत ही सुंदर पुण्य फलदायिनी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक जय माता दी अवश्य ही लिख दें। मेरे इस गुरु कृपा चैनल पर आप देवी भागवत पुराण को नित्य सुनें और पुण्य फल को प्राप्त करें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।